फिल्म भूल भुलैया 2 को जिस तरह का बॉक्स ऑफिस रिस्पॉन्स मिल रहा है उससे समझ सकते हैं कि ये फिल्म लोगों को कितनी लुभा रही है। बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की फिल्म भूल भुलैया 2 को न सिर्फ दर्शकों बल्कि क्रिटिक्स की ओर से भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। भूल भुलैया 2022 की चौथे दिन डबल डिजिट में कमाई करने वाली दूसरी फिल्म बन गई है और जल्द ही फिल्म 100 करोड़ के क्लब में शामिल भी हो सकती है। हालांकि एक मामले में ये फिल्म अब भी द कश्मीर फाइल से पीछे रह गई है। कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की फिल्म भूल भुलैया 2 को भले ही दर्शक पसंद कर रहे हैं लेकिन फिर भी फिल्म द कश्मीर फाइल्स के पीछे रह गई है। भूल भुलैया 2 के चौथे दिन यानी कि पहले सोमवार के कलेक्शन के लिहाज से देखा जाए तो रिलीज के पहले सोमवार को सबसे ज्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड अब तक निर्देशक विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स के पास ही है। भूल भुलैया 2 के चौथे दिन की कमाई भले ही हिंदी फिल्मों में इस साल सबसे ज्यादा है लेकिन सोमवार की कमाई के मामले में वो दूसरे नंबर पर है। पहले सोमवार द कश्मीर फाइल्स ने 15 करोड़ 5 लाख रुपए की कमाई की थी। कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की फिल्म भूल भुलैया 2 को दर्शक बेहद पसंद कर रहे हैं। साथ ही दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा। ट्रेड एनालिस्ट तरुण आदर्श ने फिल्म की कमाई के आंकड़े बताते हुए लिखा है, भूल भुलैया 2 ने मंडे टेस्ट पास कर लिया है। फिल्म ने सोमवार को डबल डिजिट में कमाई की है। फिल्म द कश्मीर फाइल्स के बाद भूल भुलैया 2 साल 2022 की चौथे दिन डबल डिजिट में कमाई करने वाली दूसरी फिल्म है और तीसरे नंबर पर है गंगूबाई काठियावाड़ी जिसका चौथे दिन का कलेक्शन था 8 करोड़ 19 लाख रुपए। भूल भुलैया 2 ने ओपनिंग डे पर जहां 14.11 करोड़ रुपए कमाए थे तो वहीं दूसरे दिन 18.34 करोड़ और रविवार के दिन 23.51 करोड़ रुपए का कारोबार किया। सोमवार की बात करें तो सोमवार को फिल्म ने 10.75 करोड़ कमाए। चार दिन में जिस तरह से कार्तिक आर्यन की मूवी ने 66.71 करोड़ का कलेक्शन किया है ऐसे में कहा जा सकता है कि कार्तिक की एक्टिंग लोगों का दिल जीत रही है। साथ ही लगता है कि जल्द ही फिल्म बिजनेस के मामले में 100 करोड़ तक पहुंच जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनभावना टाइम्स।